शालिन भनोत को मिल गया है एकता कपूर का शो और इसी शो का प्रोमो शूट करने शालिन भनोत पहुंचे फिल्म सिटी। यहां पर शालिन भनोत ने मीडिया से इंटरेक्ट किया। आइए देखते शालिन भनोत ने क्या कुछ कहा। शालिन भनोत ने यहां पर बताया कि बिग बॉस हाउस से निकलने के बाद उनका समय कैसे बीत रहा है। तो मैं बस अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे नील आर्मस्ट्रांग पहुँचा था चांद पे तो उसको दो पाँच मिनट लगे होंगे या उसको थोड़ा टाइम लगा होगा समझने में कि मैं मून पे पहुँच गया हूँ, ऐसे मैं धरती पे पहुँचा हूँ और मुझे अभी दो पाँच मिनट लग रहे हैं अभी। तो शालिन भनोत टॉप 5 पोजीशन में थे बिग बॉस में, टॉप 5 पोजीशन पे शालिन भनोत निकल गए। शालिन ने यहाँ पर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया कि उनको उन्होंने टॉप 5 पोजीशन तक पहुँचाया। मैं बता रहा हूँ, अनबिलीवेबल है जो प्यार और जो मोहब्बत मुझे मिली है पूरे देश से, देश के बाहर से भी। जो लोग ऑनलाइन देख रहे थे और कैसे जहाँ पे वोट नहीं भी आ रहा था, मुझे पता चला कि वहाँ पे भी लोग किसी तरह से देखने की कोशिश कर रहे थे, क्लिप्स छोटे छोटे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। और जितना मोहब्बत मुझे मिली है पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया में, मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जो चाहिए था, जो इनाम चाहिए था ना, उससे बहुत 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 सारा ज़्यादा इनाम मिल गया मुझे। और सबको लग रहा था कि शिव ठाकरे या प्रियंका चौधरी दोनों में से एक बिग बॉस विनर होंगे, मगर सरप्राइजिंगली एमसी स्टैन बिग बॉस के विनर बने। यही बात जब शालिन से पूछी गई कि क्या एमसी स्टैन डिजर्व करते थे बिग बॉस के विनर बनना, तो शालिन ने दिया ये जवाब। आइए सुनते हैं शालिन भनोत ने क्या कहा। यार मुझे लगता है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे लगता है कि जो विनिंग मटेरियल होता है ना, वो हमारा एक परसेप्शन होता है ना। हर इंसान जो उस घर में था उसकी एक अपनी अंदर में ना दिमाग में एक अपना सोच चल रही होती है, और उसको उसके लिए जो विनिंग होता है वो ज़रूरी नहीं है कि बाहर भी वैसा ही लोगों को लगे। तो जो देश को लग रहा था हमें कुछ और लग रहा था, और हर एक किसी को कुछ और लग रहा होगा। तो ज़रूरी क्या है कि जिस सेकंड हम बाहर आए हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि नहीं, जो देश सोच रहा था वो हम उसी के लिए, देश के लिए आए थे, हम अपने लिए नहीं आए थे, अपनी सोच के लिए नहीं आए थे। और रही बात जीतने की, तो मुझे लगता है कि एमसी स्टैन जितना वो बच्चा जितनी मेहनत करके आया है और जितनी शिद्दत से वो आया है इस देश में, इसका अंडरग्राउंड एक दुनिया से वो आकर इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है, हक है यार उसको, इतना मोहब्बत उसको मिल रही है। शालिन भनोत से जब पूछा गया कि क्या वो रोहित शेट्टी की फिल्म कर रहे हैं, तो ये सुनते शालिन भनोत ने क्या कहा। मैं आपको बताऊं, मैं ऑनेस्टली रोहित सर की फिल्म में मुझे अगर एक मिनट का भी रोल मिलेगा ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वो रोहित शेट्टी सर हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, ऐसा कोई ऐसी मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तो मतलब हाथ जोड़ के उनके पास में पहुँचूंगा। शालिन भनोत की एक्स वाइफ दलजीत ने एंगेजमेंट कर ली है। इस बात पर जब शालिन को पूछा गया तो आइए सुनते हैं शालिन ने क्या कहा। यार आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस हर, आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। बट क्योंकि मैं अभी आई थिंक 48 घंटे हुए हैं मेरे को बाहर आए हुए, तो मुझे और समझना है और जानना है। बट आई विश हर ऑल द बेस्ट। आपका क्या कहना है शालिन भनोत के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप शालिन भनोत के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और हमारे चैनल डेली मनोरंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलो।